Hey dosto, I'm Brijesh Pasi. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe our channel like this and press the bell icon for future updates. So dosto, आप लोगों के सामने एक पेज है, उसे सिंपली मैं रीड करके दिखाता हूँ. यहाँ निकली है 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी, 30,000 सैलरी. सो दोस्तों, मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 8वीं पास हो आप लोग तो भी आप लोग 30,000 तक कमा सकते हो. कैसे और कौन सा जॉब है, तो आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने सिंपली मैं एक पेज शो कर रहा हूँ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 12 पोस्ट है दोस्तों. और यहाँ पे WC DD करके एक पोस्ट का और इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे दिया हुआ, तो आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं. और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे लास्ट डेट यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ 10 मई 2017 लिखा हुआ है साफ साफ. सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चार्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों. यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है, जितनी पोस्ट है उसको सिंपली डिवाइड किया गया और कितनी पोस्ट है, कितने टाइटल है, वो सारी डिवाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है. टोटल मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 12 पोस्ट है हमारे पास, तो आप सिंपली ये पेज को रीड करके कर सकते हैं कि आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते. सो आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपको अप्लाई करना है दोस्तों, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक हमने ऑलरेडी दे रखा है. आप देख सकते हो वेबसाइट का लिंक फर्स्ट पेज पे ही है. और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो 8वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सब कुछ यहाँ पे आपके पास है. आप किसी भी स्तर का एजुकेशन लेवल पे गए हो तो आप ये जॉब के लिए एलिजिबल हो. इवन 8वीं पास भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज लिमिट, कैसे लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 साल से लेके 55 साल तक के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो. अगर आपकी एज 18 के नीचे आती है दोस्तों और 55 के ऊपर आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, उसके बिटवीन वाले ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो. और मैं बता दूं, जो मैंने पोस्ट डिक्लेयर किया था उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरीज दी गई है, तो आप लोग सिंपली रीड कर सकते हो. सो आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी पोस्ट है यहाँ पे और उसकी सैलरीज भी दी हुई है दोस्तों. तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे सामने दिख रहा है. चयन प्रक्रिया मीन्स दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस. तो रिटर्न एग्जाम और यहाँ पे साक्षरता, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ही डिपेंड है आपका रिटर्न, आपका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखा हुआ है दोस्तों. और आप देख सकते हैं 10 मई 2017 सबसे लास्ट डेट है, तो दैट मीन्स कि आपको इस डेट से पहले ही वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है दोस्तों. सो फाइनली दिस इज आवर लास्ट चार्ट. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमने इस वीडियो में सारी डिटेल आप लोगों को दी है, तो आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.